हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एल्गी और लाइकेन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। जितने भी क्वेश्चंस मैं एल्गी से या लाइकेन से कराऊंगी, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है किसके लिए इंपॉर्टेंट है। यह टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है उसके लिए, एलटी ग्रेड के लिए, सीएसआईआर, नेट और नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सारे, लगभग सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। आपको जिसमें भी समझ में आए उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, कैप सेल आर फाउंड इन, जो कैप सेल होता है वो किस में पाया जाता है? नॉस्टॉक में, स्पायरोगायरा में, ओडोगोनियम में या सार्गासम में। देखिए, नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पायरोगायरा जो है ग्रीन एल्गी है, या इसे तालाब का रेशम भी कहते हैं, या फिर इसे पॉन्ड स्कम भी कहते हैं। ये नामों से पूछा जाता है। और इसमें जो है फीते की तरह का जो है क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जितनी भी एल्गीज हैं ये जो है ऑटोट्रॉप्स होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसलिए एल्गी अपना भोजन खुद बनाती है। सार्गासम जो है सार्गासो सी में पाया जाता है। तो ये हो गया, और हमारा आंसर हो जाएगा ओइडोगोनिया। ओइडोगोनिया में जो है कैप सेल पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच एल्गी हैव एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से एल्गी का एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस है। वो है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, जिलेडियम या बोथ ए एंड बी। तो देखिए, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया जो है ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और इसलिए यह जो है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो जिलेडियम है और ग्रासिलेरिया, ये दोनों एल्गी से हमें क्या प्राप्त होता है? अगार अगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। किसमें कौन कौन सी एल्गी में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है? पहला एजोला हो गया, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरियम और एजोस्पाई रिलम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एजोला, साइनोबैक्टीरिया और एजोस्पाइरिलम में क्षमता होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी में ये सही है कि फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ जो है सही है। नेक्स्ट है, एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन। जो एल्गल एसोसिएशन होता है वो किस में पाया जाता है? एल्गी जो है कुछ प्लांट्स के साथ सहजीवी जीवन जीता है, और यह जो है किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे है नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस, रैकिस ऑफ साइकस। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस जो होते हैं ये क्या होते हैं? वो रूट होते हैं साइकस के जिनके अंदर जो है कि एल्गी पाया जाता है। नेक्स्ट है, इन कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज फाउंड। तो जो कोरोलाइड रूट होता है साइकस का, इसमें कौन सा एल्गी जो है एसोसिएशन में रहता है? ठीक है, ऑसिलेटोरिया है, एनाविना है, स्काइटोनीमा है और वॉलवॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनाबिना जो एल्गी है यह जो है कि साइकस के कोरोलाइड रूट में पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बॉटनी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन मोस्ट लाइकेन, ज़्यादातर जो लाइकेन होते हैं उनमें फंगल कंपोनेंट आर मेंबर ऑफ, जो फंगल कंपोनेंट होता है, आपको पता है फंगाई के क्वेश्चन में कराया था जब मैंने, तो उसमें बताया हुआ है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं फंगाई और वायरस और बैक्टीरिया से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करा चुकी हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो आप उसे ज़रूर से देख लीजिए एक बार, और वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो फंगल कंपोनेंट होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? एस्कोमाइसिड, फाइकोमाइसिड, बेसिडियोमाइसिड, नन ऑफ द एबव।
ठीक है, तो जो जो फंगल कंपोनेंट होता है लाइकेन, आपको पता है कि सहजीवी जीवन का एक उदाहरण है जिसमें एल्गी और फंगाई दोनों मिल के रहते हैं, और इसी को हम लाइकेन कहते हैं। और इनमें जो है जो फंगस होता है वो एस्कोमाइसिट्स ग्रुप का होता है। तो जब हमने फंगल पढ़ा था तो आपको बताया था कि फंगस को जो है उसके बेसिडियोकार्प के उसके जो स्पोरेंजिया बनती है उसकी बेसिस पे, और कुछ तो पिगमेंट के बेसिस पे हम फंगस को बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ते हैं, से फाइकोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट, एस्कोमाइसिट्स। तो ये जो है स्पोरेंजिया का जो शेप होता है उसके बेसिस पे, और एल्गी को मुख्यतः जो है जो पिगमेंट पाया जाता है उसमें उसके बेसिस पे हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलस इज कॉल्ड। जो लाइकेन होता है उसमें एल्गी और फंगाई दोनों होते हैं, ये बात आपको पता है। और इसमें इसका जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं, फाइको माइकोबायोंट, माइकोबायोंट या फाइकोबायोंट, नन ऑफ दिस। तो देखिए, पूरे लाइकेन का दूसरा नाम जो है फाइको माइकोबायोंट भी है, ठीक है। लाइकेन का पूरा नाम फाइकोमाइकोबायोंट भी है। माइकोबायोंट हम फंगाई को कहते हैं, फाइकोबायोंट हम एल्गी को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है बॉटनी में। नेक्स्ट है, लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ। तो ये आपको पहले ही क्वेश्चंस जो मैं करा रही थी उसमें बता दिया है कि लाइकेन जो है एसोसिएशन होता है फंगाई और एल्गी का, एल्गी विद टेरिडोफाइट, एल्गी विद ब्रायोफाइट, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि लाइकेन जो है वो एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगाई का, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास पोसेसेस ए क्लोरो प्लास्ट विच इज। देखिए, जो हम एल्गी पढ़ते हैं, एल्गी में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ द एल्गी पढ़ते हैं, तो इनके अंदर जो है कि क्लोरोप्लास्ट होता है। आपको पता है कि एल्गी की विशेषता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाना, और एक और विशेषता है कि इनकी जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो डिफरेंट शेप की होती है, और उस शेप के बेसिस पे हम इसको नाम भी देते हैं। तो इसी तरह से पूछा गया है कि जो क्लेमाइडोमोनास है इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस शेप का होता है, तो यहाँ पे हम बता देंगे। देखिए कि रेटिकुलेट होता है, एच शेप्ड होता है, कप शेप्ड होता है, या डिस्कॉइड होता है। तो जो क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी होती है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉस्टॉक इज ए टाइप ऑफ। जो नॉस्टॉक होता है वो किसका टाइप होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का, ग्रीन एल्गी का, ब्राउन एल्गी का, या रेड एल्गी का। तो जो नॉस्टॉक होता है यह ब्लू ग्रीन एल्गी का ही टाइप होता है। नेक्स्ट है, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन को जो है किसके इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, वाटर पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए, नॉइज पॉल्यूशन के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो लाइकेन को जो है एयर पॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। जब भी एयर पॉल्यूशन होता है हर एक सिटीज में जो है लाइकेन को ग्रो करके रखा जाता है। जहां पे एयर पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं कर सकते और वो सूखने लगते हैं। इसे हमें ये पता चलता है कि एयर की जो क्वालिटी है वो कैसी है। नेक्स्ट है, लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ। जो लाइकेन होते हैं वो किसके इंडिकेटर होते हैं, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए कहीं, ये देखिए 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसी क्वेश्चन को बस जो है लैंग्वेज इसका बदल के फिर से पूछा हुआ है कि लाइकेन जो है इंडिकेटर होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के, सॉयल पॉल्यूशन के, या ऑल ऑफ दीज। तो इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। जो सल्फर डाइऑक्साइड से पॉल्यूशन होता है उसको हम कैसे समझ पाते हैं, ब्रायोफाइट्स के द्वारा, एल्गी के, फर्न के, या लाइकेन के। तो आपको पता है कि एयर में जो भी पॉल्यूशन होते हैं चाहे नाइट्रोजन के, सल्फर के, तो इस
के लिए एयर पॉल्यूशन में किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट का पता करने के लिए हम लाइकेंस का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इस वीडियो में एक दो क्वेश्चन ही और हम करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस एल्गी और लाइकेन के पार्ट टू में करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस होते हैं तो आपको करने में जो है उत्साह बना रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप क्रूस्टोज फोलियोज फ्रूटिकोज प्लेस्ट, तो वो कौन सा ग्रुप है लाइकेन का जिसमें क्रूस्टोज फोलियोज और फ्रूटिकोज को प्लेस किया गया है, तो फंगाई एल्गी लाइकेन या माइकोराजा, तो यहाँ पे लाइकेन हो जाएंगे। ये सारे जो क्रूस्टोज फोलियोज और फ्रूटिकोज हैं ये किसके किसके टाइप्स हैं, किसकी वेराइटी है, ये लाइकेन की वेराइटी है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती रहूँगी, एग्जाम्स तो आएंगे ही और होंगे भी, ठीक है। धन्यवाद।